पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 तक 6 से लगभग आधी यानी 3.3% रही, जो 6.2% के लक्ष्य के आधे से कुछ ही ऊपर है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में न सिर्फ खाने पीने की आम चीजों की कीमतें आसमान छू रही है, बल्कि पेट्रोल डीजल के साथ दूध की कीमत भी आम आदमी के पहुँच के बाहर हो गई है। पिछले महीने वहाँ पेट्रोल की कीमत लगभग 117 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी और डीजल की कीमत 132 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जबकि वहां दूध की कीमत लगभग 130 रुपए से 140 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इस तरह से अब पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल से भी महंगा दूध बिक रहा है। पाकिस्तान में दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमत पहले से ही बढ़ी हुई थी और अब मुहर्रम के अवसर पर यह कीमतें 7वें आसमान तक पहुँच गई है। देश के सबसे बड़े शहर कराची और सिंध प्रांत में दूध की कीमत 140 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि डेयरी माफिया मुहर्रम के अवसर पर दूध की बड़ी मांग के बीच नागरिकों से लूट मार पर उतर आया है और मनमानी कीमत वसूल रहा है। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को लोगों के बीच बांटने के लिए दूध का शरबत, खीर आदि बनाई जाती है। बड़ी मांग के बीच दूध विक्रेताओं ने दाम बेतहाशा बढ़ा दिए। वहीं पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपये और 5 रुपये की कटौती की, लेकिन इसके बाद पेट्रोल डीजल 113 रुपये से 127 रुपये की कीमत तक बिक रहा है। इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत 97 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जिसमें कटौती के बाद सितंबर में यह 91 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रही है। इसी तरह पाकिस्तान में कैरोसिन तेल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, जिसके बाद सरकार ने सितंबर माह के लिए उसमें 4 रुपये की कमी और अब यह 99 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है। पाकिस्तान में CNG की कीमत 85 रुपये प्रति किलो है। अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।